नमस्कार दोस्तों, एनएस में आपका स्वागत है। मैं अंकित। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एंड्रॉयड ऐप लेके आया हूँ, जिसका साइज बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। और उस ऐप के अंदर आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 4x8 यानी कि 32 ऐप एक ही ऐप में आपको मिलने वाला है। और काफ़ी छोटा ऐप है, जस्ट 4.50 MB का ऐप है। तो प्लीज़ इस ऐप को एक बार ट्राई कीजिए और हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है स्मार्ट किट 360। तो पहले प्ले स्टोर ओपन करते हैं और यहाँ सर्च करते हैं स्मार्ट किट नाम से। ठीक है, देखिए दोस्तों, पर्टिकुलर यही ऐप आपको इंस्टॉल करना है, स्मार्ट किट 360। और देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं 4.6 की रेटिंग है, मतलब काफ़ी अच्छी रेटिंग है, लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस ऐप को। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं ओपन में क्लिक करता हूँ। ओपन में क्लिक करने से दोस्तों देखिए, आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। इसके पहले दोस्तों आपको कुछ अलाउ करना होगा, जैसे कि आपका माइक्रोफोन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, ये सबको आपको अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो आप अलाउ कर दीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं एंड्रॉइड रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें कितने सारे फीचर्स है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8x4 यानी 32 ऐप इसमें आपको मिल जाते हैं। पहला देखिए दोस्तों, नोट पैड है, इससे आप मतलब कुछ भी लिख के सेव बुक कर सकते हैं जो आपको काम आने वाला है। दूसरा है देखिए दोस्तों, ट्रांसलेटर, ये भी काफ़ी अच्छा ऐप है। आप मतलब गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते होंगे, तो आप इंग्लिश लिख के किसी भी लैंग्वेज में आप उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऐप आपको मिल जाएगा दोस्तों, एक्सरसाइज। अगर आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कंटिन्यू, तो ये ऐप आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। चौथा देखिए दोस्तों, फ्री म्यूज़िक है, इसमें आप कोई भी फिल्म का गाना या कोई भी बॉलीवुड का गाना इसमें सर्च कर सकते हैं, कंट्री वाइज सर्च कर सकते हैं, क्लासिकल सर्च कर सकते हैं, कुछ भी डिस्को, बहुत कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर आपके मोबाइल में डिफॉल्ट रहता है, फिर भी ये फाइल मैनेजर काफ़ी अच्छा है, तो इसी बार भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, स्ट्रीम ऑडियो, ये बहुत काम का ऐप है दोस्तों। कोई भी गाना है सोचिए दोस्तों, उसको आपको ट्रिम करना है, यानी कि काट के छोटा बनाना है, या अपने फ़ोन के रिंगटोन के हिसाब से सेट करना है, तो इसमें आप करके कोई भी गाना को ट्रिम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐप से दोस्तों, देख सकते हैं आप मेट्रोमी, ये ऐप दोस्तों BPM जनरेट मतलब कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है। तीसरा ऐप है दोस्तों देखिए आप, रिकॉर्डर, इसमें साउंड रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। चौथा ऐप से दोस्तों, फ्लैश लाइट, इससे आपका फ्लैश लाइट ओपन ऑन एंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, मिरर है, इसमें आप मतलब मिरर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों, मैग्नीफायर, इसमें आप मैग्नीफाई कोई भी चीज़ को मैग्नीफाई हिसाब से कर सकते हैं, और नीचे देखिए यहाँ पर दिया गया है, इससे आप मैग्नीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों है बारकोड स्कैनर, इससे आप कोई भी बारकोड या QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, क्लीनर है, क्लीनर आप ऐप SSC क्लीनर या रैम क्लीनर, इस टाइप से आप कैच क्लीनर ऐप इंस्टॉल करते ही हैं, तो ये ऐप भी आपको इजीली ऐप्स का जो कैच होता है उसको क्लीन कर सकते हैं, रैम को क्लीन कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए, वो भी जस्ट सिंगल टच में, तो ये भी ऐप आपको बहुत यूज़फुल होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, बैटरी सेवर, बैटरी सेवर हर फोन में होता है, लेकिन इसमें भी जो बैटरी सेवर मोड दिया गया है वो भी बहुत अच्छा है, और इसमें आपको टेम्परेचर कितना है अभी आपका सिस्टम का, यानी कि आपका मोबाइल के अंदर जो माइक्रोफोन चिप लगी है उसकी टेम्परेचर कितना है, वो सब सब दिखा देता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, करेंसी है, इसमें आप करेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं, $2 और $2 INR यानी इंडियन मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, यूनिट है, यूनिट में दोस्तों आप मतलब लेंथ, उसके बाद एरिया, वॉल्यूम, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अल्टीमीटर है, अल्टीमेटर दोस्तों एक GPS से चलने वाली एक सिस्टम है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कॉम्पास है, इसको आप मतलब अपने कंपास को सेट कर सकते हैं, कितना डिग्री नॉर्थ साउथ ये सब है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, हार्ट RPM RM, ये दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ये क्या करता है दोस्तों, आपका जो कैमरा है उसमें आपको अपना ये रखना होगा, और ये आपका हार्ट का कितना BP है, मतलब BPM कितना है, हार्ट का धड़कन कितना है, ये आपको बता देगा।
आप बस अपने कैमरा में अपने हाथ रखिए, उंगली को रखिए, कोई भी उंगली को, और आपका हार्ट का बीट कितना है अभी, ये आपको कैलकुलेट करके एकदम क्लियर बता देगा। एकदम एग्जैक्टली फिगर तो नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी यूज़फुल ये ऐप है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है ये लेवल है दोस्तों, जो स्पीड लेवल हम लोग मेज़र करते हैं दोस्तों, जे ये मतलब कितना ये है, मतलब सोचिए एकदम इक्वल है क्या नहीं, एकदम पैरेलल है क्या नहीं, तो आप इससे मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक, ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई भी मैग्नेटिक मेटल को अगर आप इसके सामने लाते हैं तो इसमें दिखाएगा ये मेटल, मैग्नेटिक मेटल आपके सामने है, मेटल डिटेक्टर से ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं एक ठो ला रहा हूँ जैसे मेरे मोबाइल को, तो देखिए बहुत जल्दी कितना स्पीड से ये चेंज हो रहा है देखिए, और यहाँ पर एक साउंड हो रहा है, मतलब कि ये पूरा मैग्नेटिक मेटल है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा ये ऐप है। उसके बाद दोस्तों मैप, मैप तो आप सभी जानते होंगे, मैप जो गूगल मैप आप लोग यूज़ करते ही हैं, तो ये भी इस टाइप का मैप ही है। उसके बाद देख सकते हैं प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर हम लोग जब छोटे थे तो मैथ का प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं डिग्री इसको मापने के लिए, तो ये भी आप इस पर कर सकते हैं, इस पर सेट यूज करते हैं, ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऐप है। उसके बाद देखिए दोस्तों रूलर है, जैसे कोई भी एक ठो लाइन है उसका लेंथ कितना है उसको मेज़र करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है उसको मेज़र करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आते हैं साउंड मीटर, कोई भी साउंड कितना जोर से है ये आपको DBM में बता देगा, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा एक ये है। उसके बाद देखिए दोस्तों ट्यूनर है, इसमें आप ट्यून कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास तो उसको आप ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों स्पीडोमीटर है, आप कितना स्पीड से जा रहे हैं ये आपको GPS से कैलकुलेट करके बताएगा, तो देखिए हमें GPS डिसेबल है तो आप अवेलेबल करके ये कर काम करता है, बहुत ही अच्छा है ये भी। और तीसरा है दोस्तों वाइब्रेटोमीटर, यानी कि कोई भी चीज़ कितना वाइब्रेट, एक्चुअली रिक्टर स्केल हम लोग जानते होंगे, जैसे जब भूकंप आता है तो कितना तेज़ी से भूकंप आ रहा है ये पता चलता है, तो ये भी इसी टाइप से काम करता है, ठीक है। अभी देखिए मैं अपना जो मोबाइल इस पर टेबल पर रखा हुआ हूँ तो एकदम जीरो का लाइन में, अब मैं हाथ से उठाता हूँ और थोड़ा सा इसको वाइब्रेट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिख जाएगा जी ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों 32 ऐप आपको मिल जाते हैं एक ही ऐप में, और सबसे बड़ी बात दोस्तों बहुत छोटा ऐप है ये, 4.5 MB का ये ऐप, और इसमें आपको सभी के सभी 32 ऐप आपको मिलते हैं, काफ़ी अच्छा ये ऐप है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मेरी आपसे सुझाव है अगर आप चाहें तो इस ऐप को एक बार इंस्टॉल करके आप ज़रूर देखें। मेरी इस वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच।